आप देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस का पेपर बिहार टेट 2017 जो कि 23 जुलाई को हुआ है, उसका आंसर की यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आंसर सही है उसको यहाँ ग्रीन स्केच से टिक टिक मार्क किया गया है, तो आप वीडियो को देख देख कर मैच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, इसका आंसर डी होगा, समस्या को बोलकर सुनना। ऐसे ही आप दूसरे का आंसर देख सकते हैं, यहाँ सी है खुले अंत वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, इसका आंसर कंठस्थ करना होगा। यहाँ गणित की कक्षा में जोड़ दिया जाता है विषय वस्तु प्रक्रिया एवं तर्क पर। बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2008 के अनुसार बच्चा गणित सीखता है दैनिक जीवन के अनुभव द्वारा। ये फोटो थोड़ा साफ नहीं आया है लेकिन आप देख सकते हैं एक बच्चा, ये शुरुआत है, इसका आंसर बी होगा। 1,50,205 को अंकों में, इसका आंसर सी होगा। इनमें से साहचर्य नियम कौन सा है, इसका आंसर ए होगा। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर डी होगा। कौन सी दो संख्याओं के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है, इसका आंसर ए होगा। सुबह की सैर के लिए तीन व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना आरंभ करते हैं, उनके प्रत्येक कदम में तय की गई दूरी 70 से 75 सेंटीमीटर एवं 80 सेंटीमीटर है, इसका आंसर ए होगा, 8400 सेंटीमीटर। कौन सा कथन सत्य है, इसमें डी आंसर होगा, 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होंगी। योग पर गुणन का वितरण नियम कौन सा है, इसका आंसर सी होगा। कौन से संख्या संग्रह द्वारा पूर्णांकों को दर्शाते हैं, इसका आंसर भी सी होगा। कौन सा समानुपात में है, इसका आंसर भी सी होगा, ब्रैकेट -13 का योज्य प्रतिलोम, इसका आंसर सी होगा। 1/8 तथा 7/8 के मध्य में से कौन सी परिमेय संख्या है, इसका आंसर डी होगा, 1/2। ये भी फोटो थोड़ा साफ नहीं आई है लेकिन आप इसे आराम से मिला सकते हैं, 1² + 2² + 3² ⁄0, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि किसी भी अंक का पावर जब 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट एक हुआ कि कितनी परिमित रेखाएं होती हैं, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर 69 होगा, डी। दो संख्याओं का योगफल 48 है, इसका आंसर बी होगा, 84। संख्याओं के माध्य की माध्यिका का योगफल, इसका आंसर डी होगा, 10,091। किसी की क्षेत्रफल x सेंटीमीटर और उसकी लंबाई y सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप, इसका आंसर सी होगा, 2x + 2xy/y। इसका आंसर ए होगा, किसी माप का फलक का क्षेत्रफल, इसमें एक फलक का क्षेत्रफल है, इसका आंसर ए होगा। किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इसका आंसर 20 होगा। स्पष्ट कीजिए कि एक आयत किसी प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, इसका आंसर ए होगा। गणितीय प्रयोगशाला गतिविधियों को कराया जाता है, इसका आंसर सी होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य, इसका आंसर ए होगा। एक बच्चा निम्नलिखित उदाहरण का अवलोकन करता है, इसका आंसर ए होगा, आगमन। विद्यार्थियों में विज्ञान के अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से किस अवधारणा को उचित नहीं माना जा सकता, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में कौन सा उचित सही है, इसका आंसर सी होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस से शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसका आंसर ए होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम में मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस विद्या का उपयोग सबसे उचित हो सकता है, इसका आंसर
डी होगा लिखित व प्रयोग आधारित। निम्नलिखित में से मूलभूत बल की श्रेणी में कौन नहीं आता? घर्षण, फ्रिक्शन होगा इसका डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल नहीं है? इसका चुंबकीय होगा, चुंबकीय। संघनन की क्रिया बी होगा। वाष्प का जल में बदलाव होता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें, इसका आंसर डी होगा, चीनी मिट्टी। विद्युत का चालक कभी नहीं हो सकता है। समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई सेकेंड है। निम्नलिखित में से मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है? इसे ऑडोमीटर मापता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का आंसर सी होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लोहे की छड़ चुंबक है, इसका आंसर ए होगा, केवल एक और दो। मकरकंद से शहद बनाने की प्रक्रिया, इसका आंसर सी होगा, एंजाइम। श्वसन प्रक्रिया में पौधे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला भी है, लेकिन ऑक्सीजन सही होना चाहिए। चेचक के टीवी की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। पादप कोशिका का कौन सा संघटक उसके गुणों का निर्धारण करता है? बाकी क्वेश्चन इसके अभी कंफ्यूजन में है, इसके लिए आपको ओरिजिनल की का इंतजार करना होगा। जिन पदार्थों में से देखने व अन्य वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें को क्या कहते हैं? इन्हें परभासी वस्तुएं कहते हैं। इसमें आपको सी आंसर होगा, केरोसिन, पेट्रोल, माचिस की तीली, सफ़ेद फास्फोरस। खाने का सोडा और नींबू के रस का आपस में मिलने पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। धातुओं के वे गुण जिनमें उन्हें पीट का सीट बनाया जाता है, इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ घोलक सॉल्वेंट हो सकते हैं? इसका आंसर ए होगा, केवल एक और दो। 85 अभी ये कंफर्म नहीं है, इसके लिए आपको ओरिजिनल की कहीं इंतजार करना पड़ेगा। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, इसका मापन होगा। बी विज्ञान की प्रकृति की संकल्पना तथा विज्ञान किस प्रकार का विषय है? इसका आंसर ए होगा, विज्ञान एक जीवंत नए से नए अनुभव विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कदम सबसे अधिक उपयुक्त है? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। इसके लिए आपको ओरिजिनल की का इंतजार करना पड़ेगा। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ए होगा, विज्ञान शिक्षा में शोध की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी होगा, भाषा विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में कोई भूमिका। आप यहीं से नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप और सारे भी बिहार टेट के वीडियोस देख सकते हैं। आंसर कीज जो कि अनऑफिशियल आंसर कीज है, और ये एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। थैंक यू।